ये जी हम पहुंच गए हैं मस्जिद बिलाल के बिल्कुल करीब। यहाँ पे हर खाने की चीज़ आपको मिलेगी, हर कुजीन मिलेगी आपको। इंडियन कुजीन चाहिए, इंडियन कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन चाहिए, चेक करना पड़ेगा। इधर हम लोग ने स्टॉप किया था, उधर प्लान था 18 रियाल का, तो ताकि आपको दिक्कत करे ना, 100 रियाल देंगे। 33 रियाल भी है, हैं? 33 रियाल स्टर्लिंग पाउंड डॉलर कौन सा चाइनीज येन चाहिए करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे और अमन अमान में होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। ये जी हम पहुँच गए हैं मस्जिद बिलाल के बिल्कुल करीब और ये बाज़ार है, इसको बिलाल मार्केट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह है कि आपको चीज़ें वगैरह काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल मिल जाती हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा जो अब हमारा होटल तो बिल्कुल ऐसा है कि मेन उस पर है, मतलब एक दरवाज़ा उसका हरम शरीफ में खुलता है, तो वहाँ पर जो होटल वाली मार्केट्स हैं वो इंतहाई एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वॉक करके आते हैं यहाँ पर, आप देखें आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। वो सामने देखें, एक है ये लिखा हुआ है मतम इस्लामाबाद, ठीक है, तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इसका मतलब होता है इस्लामाबाद होटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे, फूड वगैरह अच्छा मिल जाएगा। जो चाहिए सब कुछ है। ये हमारे बड़ा भैया ये रह गए थे कतर में, मारू भाई ने हमें अभी ज्वाइन किया, आज पहुंचे हैं ये। सुनाए जी मारू भाई कैसे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनके भाई हैं मकबूल भाई, डॉक्टर मकबूल। यहाँ पे हर खाने की चीज आपको मिलेगी, हर कुजीन मिलेगी आपको। इंडियन कुजीन चाहिए, इंडियन कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन चाहिए, उधर पाकिस्तानी कुजीन है, मतलब इस्लामाबाद अरबिक कुजीन चाहिए उस तरफ है, जबरदस्त। हर कुजीन जदीद भी है, नया भी है, पुराना भी, दोनों एक साथ खुले हैं। बड़ा भैया, ओ बड़ा भैया उधर है, छोटा भैया, ओ छोटा भैया इधर है। सलाम सलाम देव ने वो रिमोट से भी चाहिए। यूके से आए हुए हैं तो हम सब जो है, ये मस्जिद बिलाल है सामने, तो हम सब ने साथ आना था, लेकिन इनके जो है पेरेंट्स के कुछ पासपोर्ट्स वगैरह एक्सपायर्ड थे तो ये फिर कतर में ही रह गए थे, तो अब हमें इन्होंने आज ज्वाइन किया है, तो अभी हम साथ खाना ले रहे हैं। क्या कहते हैं हम लोग वहाँ से भाग के आए वहाँ पे ऑर्डर देने वाले थे। रेस्टोरेंट है, ये वहीं जाके ऑर्डर दे रहा, मैंने बोला भाई ये उधर किधर जा रहे हैं भाई, ये वहाँ पे जाके ऑर्डर दे रहे खाना। बहुत यार इनका कितना बिजनेस है, सही बात है। और हज में सोचो, हज के टाइम, हज के टाइम पे जितना रश होता होगा ना, सोचो शेख अल वही मेरी गाड़ी में पड़ा होता ना, मैं दुकान में क्या नकली नकली ये सऊदी का है ना, कहते हाँ, कहते इसे पानी मिलेगा, हाँ दो मिलेगा, वो व्यक्ति एक मिला। पानी हम बैठे जी, अभी खाने का ऑर्डर दिया है, यहाँ वेट कर रहे हैं खाने का। ये वही है इस्लामाबाद रेस्टोरेंट जो है, उस पर सारे बैठ के महंगा है, है जाना है क्या? चेक करना पड़ेगा। इधर हम लोग ने स्टॉप किया था, उधर प्लान था 18 रियाल का, इतना बड़ा बॉक्स देते हैं फुल क्रेप का,
गैलेक्सी क्रेप ये सिम कार्ड पता है सिम कार्ड जब लिया था ना 5-5 10 रियाल का नोट खतरी ये बोल रहे भाई इसका मैं क्या करूँ लास्ट में 10 रियाल का खतरी नोट दे दिया मैंने बोला आप सोची जा रहा हूँ खतरी नोट से क्या करूँगा मैं सोची का नोट दे शुक्रिया भाई यार बहुत बहुत अल्लाह को जिंदगी दे आपका नुस क्या दो बुखारी चावल के साथ कितने दो बुखारी चावल थे ना तो ये सब हमारा थे और तीन बार सब हमारा पेप्सी हम खुद लेके आए भाई गरीब आदमी है बस पांच से मिले यार पाकिस्तानी रुपए में ले लोगे पैसे बंगाली टका भी है बंगाली टका भी है डॉलर पाउंड स्टर्लिंग तो हो गया पूरा 100 रुपए यार एक मिनट में दे रहा हूं बता दो बाकी आप खुद कर रहे हैं समझ आ गई है कितनी रियल भी है स्टर्लिंग पाउंड डॉलर कौन सा चाइनीज येन बहुत शुक्रिया जी थैंक यू ये हम क्रॉस कर रहे हैं जी रोड के ऊपर होता है गाड़ी खराब हो जाए अभी जी हम जा रहे हैं वापस अपने अपने होटल्स की तरफ मारूफ भाई लोगों को इनको जो है होटल दूसरा मिला क्योंकि हमारा होटल फुल हो चुका था तो ये जाएंगे अपने होटल और हम जाएंगे अपने होटल सामने जी फिर से रोज़े रसूल आ गए सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ये डंकिन डोनट्स भी है स्टारबक्स भी है अच्छा जी हमने खा लिया था खाना और हमने ये डिसाइड किया कि अब जाते हैं अपने अपने होटल्स की तरफ वापस तो रास्ते में मारूफ के जो कज़न्स हैं और मेरे भाइयों वगैरह का भी सबका प्लान बन गया कि चले कॉफ़ी पीते हुए जाते हैं और आइसक्रीम खाते हुए जाते हैं तो यहीं पे हम एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है सऊदी अरब का उनके पास आ गए कॉफ़ी और आइसक्रीम्स वगैरह लेने के लिए ज़िंदगी में अगर आपके पास अच्छे दोस्त हों और सिंसियर दोस्त हों तो आपकी ज़िंदगी और भी हसीन और ख़ूबसूरत हो जाती है इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त लूँगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा खुश रहिएगा और लोगों के साथ सिला रहमी और नरमी के साथ पेश आइएगा और कोशिश करें कि इस दुनिया में जितने अच्छे काम कर सकें उतने ज़्यादा करें कि दुनिया में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं जो दूसरों को हंसी और खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़